आज नेपाल टीम के लिए दो अच्छी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां नेपाली टीम इंडिया में गुजरात को हराकर एसएमएस कप के फाइनल मुकाबले में विजय का ध्वज लहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के खिलाड़ियों के लिए कैन की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसकी मांग हर एक नेपाली फैन कर रहे थे और जिस चीज की अभी नेपाल टीम को सख्त जरूरत थी, आखिरकार वह आज नेपाली क्रिकेट को मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बोल रहे हैं नेपाल टीम को आज ही ज्वाइन हुए नए बॉलिंग कोच के बारे में। आज कैन की तरफ से ऐलान किया गया है कि रोडेरिक ओ एस्टविक आज से नेपाल राष्ट्रीय टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट्स होंगे, यानी 7 अप्रैल से उन्हें नेपाल की बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जिनको पता नहीं है उनको बता दें कि रोडेरिक ऑनरविल एस्टविक एक पूर्व बारबाडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। वे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सिल्वेस्टर क्लार्क के भाई भी हैं। उन्होंने 1982 से अपनी क्रिकेट करियर को एक फास्ट बॉलर के रूप में शुरू किया था और अब वे हाल ही में वेस्ट इंडीज टीमें और बी समेत सीनियर टीम के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और वेस्ट इंडीज के साथ साथ कई अन्य अंतरराष्ट्रीय टीमों के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। उनकी अनोखी रफ्तार की बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग के लिए मशहूर रोडेरिक एस्टविक अब नेपाल स्क्वाड में अपनी एक्सपीरियंस को झोंकने के लिए आज से जुड़ चुके हैं। खासकर अगले T20 विश्व कप के लिए उनकी जिम्मेदारी बहुत रहेगी, क्योंकि अब से विश्व कप के लिए और कुछ ही महीने बाकी हैं। और आशा है कि विश्व कप से पहले उनकी एक्सपीरियंस नेपाली बॉलरों के लिए बहुत काम आएगी और नेपाल के बॉलिंग लाइनअप विश्व कप से पहले और भी मजबूत होगी। वर्ल्ड कप से पहले जिसकी नेपाली टोली को सख्त जरूरत थी, आखिरकार वो आज पूरी हो चुकी है। ऐसे में तो नेपाल के बैटर बैटिंग के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अब बारी है बॉलिंग के जरिए विश्व स्तर में एक अलग पहचान बनाने की। और एक बात कैन से निवेदन है कि सर रोडेरिक एस्टविक को एक लंबे समय तक नेपाली कैंप में शामिल करके रखें। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आपको यह न्यूज सुनकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।